आज वाले वीडियो में नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड लिया गया है। जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड। जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्साइड। पहले ऑक्साइड को समझ लीजिए। तो नाइट्रोजन का मेन ऑक्साइड होता है ये, देख लीजिए, छः सबका नाम भी याद रखना है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाम में हिंदी अंग्रेजी नहीं होता, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और लास्ट में है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो लिखा गया है +1, +2, +3, अब ये सब ये ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का है, ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये सब। और ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा अस्थायी भी होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, N2O5। सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ये दोनों। तो ये दोनों इतना कम एसिडिक होता है कि एसिडिक होता ही नहीं, ये वास्तव में उदासीन होता है, न्यूट्रल। ये जो ये सब दिख रहा है ये सब क्या है, एसिडिक। तो पूछेगा कि नाइट्रोजन का वैसा ऑक्साइड बताइए जो उदासीन हो, तो N2O और NO याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, बाकी सब क्या है, अम्लीय है। अब पूछेगा इसमें सबसे ज़्यादा कौन रही है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा अम्लीय एसिडिक और उतना ही ज़्यादा अस्थायी भी होता है। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, N2O5। सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, ये। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये। सबसे कम एसिडिक मतलब एसिडिक नहीं है, ये न्यूट्रल है दोनों। सबका कंपाउंड का नाम याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है, एसिडिक कौन होता है उसको भी समझना। तो वो सब था आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अगला है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन तो रहेगा ही, हाइड्रोजन भी रहेगा। जैसे HNO2 नाइट्रोजन का दो मेन ऑक्सी एसिड होता है, एक होता है नाइट्रस एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड, याद रखना है। HNO2 हुआ नाइट्रस एसिड, HNO3 हुआ नाइट्रिक एसिड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। यह इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया गया, इसको पढ़ना है OH ना कि HO। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है, इसलिए लिखा गया है O पहले, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा OH। ये जो एरो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो 11th में पढ़े हुईगा केमिकल बॉन्ड में, ये दो का डंडा का मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था आपका ऑक्सी। अच्छा, इसमें पूछेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये +5 बोला, कौन ज़्यादा अस्थाई है तो +5 बोला, इसको यादें कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा अस्थाई, मतलब ये दोनों में अस्थाई कौन होगा, तो नाइट्रिक एसिड। कम अस्थाई कौन होगा, नाइट्रस एसिड। ज़्यादा अम्लीय कौन है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड है मेन, वो है हाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन रहेगा इसमें, तो NH3 होता है, ये तो फेमस कंपाउंड है अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन का निकालेंगे तो -3, ये बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इतना कम है कि ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक नहीं। और इसका अमोनिया अलग से पढ़ना है, तो उस समय इसका स्ट्रक्चर अब बनाने का विधि से पढ़ा जाएगा। इसको याद रखना है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही अम्लीय होगा, उतना ही ज़्यादा अस्थाई होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसको बार बार वीडियो को देख करके याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ये आपको फालतू नहीं है, इसलिए सारा क्वेश्चन, सारा इसमें जो फार्मूला है सब इम्पोर्टेंट है।